नमस्ते। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इविंग्स सार्कोमा या इविंग्स फैमिली ऑफ ट्यूमर्स क्या है और इसका सिम्टम्स क्या है, वर्कअप क्या है और इलाज क्या है। मैं हूं डॉक्टर चेतन अंशन। मैं पिछले 18 सालों से बोन ट्यूमर या बोन कैंसर में के फील्ड में काम करते आ रहा हूं। इविंग सार्कोमा या इविंग्स फैमिली ऑफ ट्यूमर्स कहते हैं क्योंकि इविंग सार्कोमा को कभी कभी PNET या प्रिमिटिव न्यूरोएक्टोडर्मल ट्यूमर के नाम से भी जाना जाता है। एक टाइप का बहुत रेयर फॉर्म ऑफ मस्कुलोस्केलेटल कैंसर है क्योंकि सिर्फ हड्डियों में ही नहीं, हड्डियों के आसपास के मांसपेशियों में भी आ सकता है। ये सबसे कॉमनली हमारे लॉन्ग बोन्स या मतलब ये जो थाई बोन है या आर्म बोन है या फोरआर्म बोन है इसको इफेक्ट करता है। और इसके अलावा ये पेल्विक बोन्स जो हमारे हिप एरिया का जो मेजर बोन है उसे पेल्विस कहते हैं, उसमें आ सकता है या स्पाइन में या रिब्स में भी आ सकता है। इसके अलावा मसल्स में आता है, ये हड्डियों के जो आसपास के मसल्स हैं लाइक थाई के मसल्स में या आर्म बोन के मसल्स में या एब्डोमिनल वॉल जो पेट का जो वॉल है या बैक मसल्स है इसमें भी ये बीमारी आ सकती है। तो इसके लक्षण क्या है? बेसिकली एज़ फॉर एनी अदर ट्यूमर इसमें भी पेन एंड स्वेलिंग ये सबसे कॉमन सिम्टम्स है। स्पेशली विंग सार्कोमा में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ सकता है। सो पेन एंड स्वेलिंग इज अ मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन फॉर इविंग सार्कोमा। इसके साथ इसमें हमें फीवर भी आ सकता है। कोई कोई पेशेंट को इस बीमारी आने के बाद ये जिस एरिया में अफेक्ट करता है उस वजह से वहाँ का भी लोकलाइज सिम्टम्स आ सकता है। जैसे कि अगर थाई बोन में हुआ तो चलने में दिक्कत महसूस हो सकती है, अगर हिप एरिया में हुआ तो हिप के मूवमेंट्स में पेन आ सकता है, सिमिलरली स्पाइन में हुआ तो बैक पेन आ सकता है और कभी कभी रीढ़ के हड्डी में बीमारी ज़्यादा ही बन गया तो रीढ़ के अंदर हड्डी के अंदर से जो स्पाइनल कॉर्ड जाती है उसके ऊपर दबाव आने से पैर में कमजोरी या वीकनेस या लॉस ऑफ कंट्रोल ये महसूस हो सकता है। सो इसका कोई कारण नहीं है, इसका कोई स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स नहीं है एज़ फॉर मोस्ट बोन ट्यूमर्स या बोन कैंसर्स। अगेन ये बीमारी बहुत यंग पेशेंट्स में दिखाई देते हैं, स्पेशली चिल्ड्रन मतलब बच्चों में, यंग एडल्ट्स मतलब जो 20 से 25 साल के एज के रहते हैं और टीनेजर्स मतलब जो 10 से 20 साल के एज में रहते हैं। रेयरली ये काफ़ी ओल्डर पेशेंट्स में भी हो सकता है बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ये बीमारी यंग पर्सन्स की है। ये एक हाई ग्रेड डिजीज़ है और इसमें अगर ट्रीटमेंट सही वक्त पे या सही तरह से नहीं हुआ तो डेफिनेटली ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। बहुत तेज़ी से ये बीमारी बॉडी में फैल सकती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया इसमें अगेन प्रेजेंटेशन इसमें पेन और स्वेलिंग से होती है और एज़ फॉर एनी अदर ट्यूमर इसमें सेम काइंड ऑफ पेन जो इनिशियली एक्टिविटी से आती है आगे जाके ये एक सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टेंट पेन बनती है और उसके बाद ये एक रेस्ट पेन मतलब जब आप कुछ करते नहीं हो उस वक्त भी ये दर्द महसूस होता है और बढ़ता रहता है रिलेंटलेसली और आगे जाके ये नाइट पेन या आपको नींद में भी ये पेन फील हो सकती है, मतलब आपको स्लीप आपका डिस्टर्ब हो जाता है बिकॉज ये दर्द इतना होता है कि आप इसको सहन नहीं कर सकते। अगेन जब ये बीमारी फैलती है तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ये लंग्स में फैलती है लाइक एनी अदर सार्कोमा। सार्कोमा का एक विशेषता है कि मोस्ट सार्कोमास जो रहते हैं, कोई भी सार्कोमा हो, वो 90% केसेस में लंग्स में फैलती है और दूसरा बाकी हड्डियों में फैल सकती है। सो इसमें भी ये पोटेंशियल है कि ये बॉडी के दूसरी जगह पे जाए और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये लंग्स में जाता है। बहुत रेयर केसेस में ये अगेन हड्डी बीमारी के वजह से कमज़ोर होने से ये ब्रेक भी हो सकती है, तो इसे कहते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। सो ये भी एक रिस्क इस बीमारी में बना रहता है। तो इस वीडियो में हमने इविंग सार्कोमा के बारे में जानकारी ली है कि इसका प्रेजेंटेशन कैसा रहता है, इसका वर्कअप कैसा होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। आपके मन में और कोई प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आपका सवाल लिख सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं और हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देना। धन्यवाद।